मोबाइल टावर लोकेशन में सीबीआई को एक और नए सुराग मिले हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट में सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब सेमिनार हॉल के बगल में ही चार बंदे सो रहे थे तो फिर वारदात के समय ट्रेनी महिला की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं पड़ी। पॉलीग्राफिक टेस्ट में आरोपी संजय ने ऐसे कौन से खुलासे किए हैं जिसे लेकर सीबीआई को तुरंत प्रिंसिपल संदीप का दोबारा फिर से पॉलीग्राफिक टेस्ट करना पड़ा है। आखिर असली कातिल को बचाने के लिए कौन कर रहा है संजय को मारने का प्लान तैयार? संजय को जेल में मटन क्यों दिया जा रहा है? सीबीआई के किस सवाल से पूरी तरह पसीने में भीग गया संजय? आखिर संजय के फोन में ऑडियो क्लिप के अलावा आखिर वह क्या मिला है जिसे लेकर पूरा भारत सतर्क हो गया है? कपड़े, अंडरगारमेंट्स और सैंडल को अभी तक सीबीआई ने बेहद संभाल कर क्यों रखा है? पीड़ित महिला के दाह संस्कार को लेकर कौन से नए खुलासे हुए हैं? सब कुछ जानेंगे विस्तार से। पॉलीग्राफी टेस्ट के समय सीबीआई का एक बड़ा सवाल यह था कि तीसरी मंजिल पर अगर सेमिनार हॉल के ठीक बगल में स्लीपिंग रूम था और इंटर्न रूम था तो फिर महिला की चीख बाहर किसी को सुनाई क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उस वक्त ट्रेनी महिला डॉक्टर के चार साथी स्लीपिंग रूम और ट्रेनी रूम में सो रहे थे। इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ था इसलिए महिला की चीख बाहर नहीं आई। लेकिन सीबीआई इस जवाब से संतुष्ट नहीं है क्योंकि सुबह 4 बजे सब कुछ शांत था और बगल के कमरे में ट्रेनी महिला के साथ सो रहे थे तो उस वक्त इतनी भयावह चीख 3 फीट दूर कमरे में कैसे नहीं पहुंची? यह एक ऐसा सुराग है जो साबित करता है कि प्रिंसिपल कुछ बड़ा कांड छुपा रहा है और शायद इसी चीख को छुपाने के लिए सेमिनार हॉल के बगल में रिकंस्ट्रक्शन वर्क कराए गए थे। इस वक्त सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संजय ने ट्रेनी डॉक्टर को नहीं मारा तो फिर उसका असली कातिल सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं हुआ? यही वजह है कि प्रिंसिपल संदीप का दोबारा पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है ताकि पता लग सके कि संदीप और संजय के अलावा इस केस में और कौन कौन शामिल थे। सीबीआई का यह भी सवाल है कि सोते वक्त चश्मा कौन लगाता है? आमतौर पर सोते वक्त हर कोई अपने चश्मे को बाहर निकाल कर रख देते हैं, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में पाया गया है, संजय ने ट्रेनी महिला के चेहरे पे ऐसा गुस्सा मरा कि चश्मे के शीशे टूटकर आंख में घुस गए। उससे भी बड़ा सवाल है कि चश्मा टूटा तो नीचे नहीं गिरकर आंख में कैसे चला गया? क्या किसी ने जानबूझकर पूरे सीन को इतना भयावह बनाया ताकि किसी का शंका दूसरे किसी एंगल में न जाए और सब कोई इसी भयावह केस को सुलझाने में लगा रहे? एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि आरोपी संजय राय को खत्म करने के लिए बंगाल की जेल में प्रयास किया जा सकता है ताकि असली कांड बाहर ना आ सके। जिस प्रकार संजय ने अपना अचानक बयान पलता है उसे देखकर बड़े बड़े लोग हैरान हैं और ममता दीदी की कुर्सी भी हिलने लगी है। कहीं अस्पताल में संजय की हत्या ना हो जाए इसके लिए वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और कई सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। एक और खबर आ रही है कि संजय को जेल में मटन परोसा गया है। यह साबित करता है कि सरकार ने संजय पर खर्च बढ़ा दिए हैं ताकि वह कमजोरी से मरने के कगार पर ना पहुंच जाए। सीबीआई ने प्रेसिडेंसी जेल में बंद मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल के अंदर पॉलीग्राफी टेस्ट किया। इस टेस्ट के लिए जेल में एक विशेषज्ञों की टीम आई थी जिसमें 5 लोग शामिल थे जिनमें 2 महिला एक्सपर्ट भी थी। टीम दोपहर करीब 2 बजे जेल पहुंची और लगभग 3 घंटे तक टेस्ट चला। इस दौरान सीबीआई ने संजय से करीब 150 सवाल पूछे। संजय के जवाब वही थे जो उसने पहले भी दिए थे और उसने इस अपराध में अपनी संलिप्तता से साफ इनकार किया। हालांकि कुछ खतरनाक सवालों के दौरान वह घबरा गया, उसके पसीने छूटे और उसकी दिल की धड़कन में असामान्य बदलाव देखा गया। यह ऐसे ऐसे सवाल थे जो रेप और हत्या के अलावा और भी कई एंगल को जानना चाह रहे थे। इन सवालों का यह भी मकसद था कि संजय सच उगल सके और बता सके कि उस डेड बॉडी के साथ क्या क्या हुआ था और उसमें कितने लोग शामिल थे। लेकिन इन सवालों को सुनते ही जिस प्रकार संजय घबरा गया उसे देखते हुए सीबीआई का सस्पेंस बढ़ गया है। इन्हीं कारणों से प्रिंसिपल संदीप का एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, क्योंकि पीड़ित महिला के माता पिता का कहना है कि किसी एक व्यक्ति ने मेरी बेटी को नहीं मारा बल्कि उसे पहले से मार कर वहां रखा गया था और कॉलेज के प्रिंसिपल समेत पूरा कॉलेज कुछ बड़ा कांड छुपा रहे हैं। शुरुआत में पेरेंट्स को कॉल करके भी आत्महत्या बताया गया था और माता पिता से सेटलमेंट करने को कहा गया था। यह दर्शाता है कि प्रिंसिपल के कॉलेज में उस ट्रेनी महिला के साथ बहुत कुछ हो चुका है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संजय ने कहा कि जब उसने डॉक्टर को देखा तो वह पहले ही मर चुकी थी और डर के मारे वह सेमिनार हॉल से भाग गया। संजय का यह नया बयान पूरे सीबीआई को फिर से हिला डाला है, जिसे लेकर सीबीआई का आज भी वही सवाल था कि सेमिनार हॉल के अंदर झांकने और भागने में तुम्हें 35 मिनट क्यों लग गए? हालांकि संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कई सवालों के गलत जवाब दिए।
जब सीबीआई ने उससे सबूतों के साथ पूछताछ की तो उसने कई बहाने भी बनाए। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि सीबीआई को जो सुराग हाथ लगे हैं वह बेहद हैरान करने वाले हैं। संजय रॉय के मोबाइल से कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं जो उसकी बीमार मानसिकता को दर्शाती हैं। संजय रॉय के मोबाइल से बहुत सारे पोर्न वीडियो मिले हैं। ये कोई सामान्य पोर्न वीडियो नहीं है, बल्कि इंसेस्ट पोर्न वीडियो है, जिसमें परिवार के सदस्यों को यौन गतिविधियों में लिप्त देखा जा सकता है। मोबाइल से बरामद ऐसे ही वीडियो की वजह से सीबीआई की टीम ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया था। इसे लेकर देश में भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या पोर्न देखने के कारण बलात्कार के केस बढ़ गए हैं, क्योंकि ममता दीदी की चिट्ठी के अनुसार देश में हर दिन 90 बलात्कार केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। संजय रॉय के मोबाइल से एक ऑडियो भी मिला है। यह ऑडियो संजय रॉय और कोलकाता पुलिस की एक महिला एएसआई के बीच बातचीत का है, जिनसे वह संभवतः अश्लील बातें कर रहा था। इस ऑडियो में हालांकि संजय महिला को दीदी कह रहा है, लेकिन वह बेहद गंदी और भद्दी बातें कर रहा है, जिससे उसकी मंशा साफ समझ आ रही है। कोलकाता पुलिस की महिला पुलिस एएसआई भी संजय रॉय की गलत मंशा को साफ समझ रही है, लेकिन वे उसकी बातों को इग्नोर करती है। वहीं 8-9 अगस्त की रात संजय रॉय की गर्लफ्रेंड ने उसे मोबाइल पर जो न्यूड पिक्चर भेजी थी, बाद में उस फोटो को डिलीट कर दिया गया। इसे लेकर संजय की गर्लफ्रेंड से पूछताछ भी की गई। मामले की जांच कर रही सीबीआई को 3 अहम सबूत मिले हैं। इनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय की 9 चीजें भी शामिल हैं। सीबीआई के हाथ जो सबूत लगे हैं उनमें डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट अहम है। इसके अलावा संजय रॉय की 9 चीजें भी मिली हैं। सीबीआई ने संजय रॉय के कपड़े, अंडरगारमेंट्स और सैंडल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन चीजों को उसने वारदात के वक्त पहना था। सीबीआई को इसके अलावा मुख्य आरोपी की मोबाइल टावर लोकेशन भी मिली है, जिससे पता चलता है कि वह वारदात के वक्त वहीं पर मौजूद था। साथ ही उसकी बाइक और हेलमेट को भी सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। इसके अलावा 40 और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने क्राइम सीन से इकट्ठा की थीं। बता दें कि सीबीआई जल्द ही अदालत में अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है। गुत्थी अब इस बात पर उलझी है कि अगर संजय ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया तो क्या वह वारदात के बाद घटनास्थल पर पहुंचा और मृतका के शव के साथ अमानवीयता की, या फिर उसने अकेले ही इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और अब सीबीआई से झूठ बोल रहा है, जबकि उसने कोलकाता पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। यह सभी बातें तब तक केवल कयास बनी रहेंगी जब तक सीबीआई आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं करती। पॉलीग्राफ टेस्ट के परिणाम अस्पष्ट रहने के कारण सीबीआई आरोपी का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी कर सकती है। नार्को टेस्ट में आरोपी को एनेस्थीसिया देकर आंशिक बेहोशी की स्थिति में सवाल पूछे जाते हैं, जो सबसे सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है। उधर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर कांड को लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि जिस बर्निंग घाट पर मृतका का दाह संस्कार हुआ, वहां का खर्च परिवार को नहीं देने दिया गया और परिवार के बजाय किसी और ने हस्ताक्षर किए। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस घटना को शुरू से छिपाने की कोशिश की गई। पहले इसे आत्महत्या बताया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई और सेमिनार हॉल के पास एक कमरे को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने 14 अगस्त की रात को आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की और अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच खुद करने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे भी सीबीआई के हवाले कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।